दोस्तों मैंने एक फ़्लिपकार्ट से एक ऑर्डर को यहाँ पर परचेज किया है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप फ़्लिपकार्ट से या फिर ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट जब भी ले रहे हैं तो आपको किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर अकाउंट पर सिंपली क्लिक करता हूँ, ऑर्डर पर जाता हूँ। ऑर्डर पर जाने के बाद अब मेरा यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर पावर बैंक मंगाई थी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर ये कैश ऑन डिलीवरी मंगाई है, मैंने यहाँ पर पैसे पहले पे नहीं किए हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो जो ऑर्डर है वो मेरा यहाँ पर आ चुका है। कहने का मतलब है अभी मैंने यहाँ पर ये लिया नहीं है, ठीक है, और अभी मैं जब भी मैं ऑर्डर को ले लूँगा तो यहाँ पर ये डिलीवरी यहाँ पर पूरा आ जाएगा। ये धारी वाला ऑप्शन है वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो जो कोरियर वाला है वो यहाँ पर लेके आ चुका है, तो चलिए मैं उसे आपको बाकायदा पैकिंग को ओपन करके दिखवाऊंगा और कितना उसमें कुछ निकलता है, क्या क्या निकलता है, ठीक है। आपका ऑर्डर है, ठीक है। इसी के साथ में इसकी 6 मंथ की वारंटी भी है, और ये वारंटी वाला है ये आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो कि सामान परचेज कर रहे हैं तो उसकी वारंटी है, तो वारंटी जो कार्ड है, पेपर है, वो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कोरियर के सामने ले जाकर और प्रोडक्ट को हम ओपन कराते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या क्या होता है। कट आउट, आप तो यार घबरा रहे हो। नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, जो जो हिसाब से कह रहा हूँ उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं इनसे कह रहा हूँ आप वीडियो मत बनाइए, ऐसी खोल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत होगी रिटर्न होती है उसकी। वो तो रिटर्न होगी। हाँ, तो उसमें बनाने की जरूरत ही क्या है फिर। इसका वारंटी पेपर होता है आपको कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा थी इसको? भाभी कार्ड में जाएंगे वहाँ पर, ऑर्डर आईडी पे GST बिल आता है इनवॉइस में। फाड़ दी, फाड़ दी। रखते भाई जो है का पावर में। क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पर इसे खुलवा के देख लिया था और इसमें बैटरी निकली थी, फिर उसके बाद मैं इसे ले आया था, ठीक है। क्योंकि बैटरी अगर इसके अंदर निकल रही थी ये वाली पावर बैंक, तो कहने का मतलब था ये 6 महीने की वारंटी के साथ है, तो मैं इसके बाद ले आया। मैंने कि वापस तो हो ही जाएगी, अगर उसके बाद में कुछ ख़राब वगैरह चलती है तब, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको वहाँ पर ओपन करके भी दिखाया, पर इसके अंदर जो कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह हैं वो निकलते हैं वो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसकी कई मेल्स की आती हैं ऊपर, ठीक है, तो ये वारंटी कार्ड है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ भी होगा कि 6 मंथ की वारंटी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर गाइड्स पेपर्स मिल जाता है, जैसे कि टाइप सी है इनपुट और यहाँ पर चेक पावर, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग जो कि आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको वारंटी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लिखा हुआ वारंटी जो कि आपको 6 मंथ की आपको इसमें वारंटी मिल रही है, ठीक है, ये आपको इस साइड में रख देना है। हालांकि आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा वारंटी वगैरह, यहाँ पर टोल फ्री नंबर मिल जाता है, इससे आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं अगर आप पावर बैंक कभी भी मंगा रहे हैं तब, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं योर वारंटी जो कि 6 मंथ है, रिप्लेसमेंट वारंटी, ठीक है। आपको कहने का मतलब है एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि दोबारा आपको दूसरा मिल जाएगा अगर 6 मंथ तक कोई भी इसमें कमी आती है या सही से चार्ज नहीं करती है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही से काम नहीं कर रही है तब, ठीक है।
तो आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। उसके बाद में चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर वारंटी कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। एक्चुअली मैं यार इसका जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम बाहर जाते हैं और हमें जैसे कि एक दो बार फ़ोन चार्ज हो जाए, तो मैं आपसे कहूँगा ये 20,000 mAh की ना लेकर आप यहाँ पर 1000 वाली ही ले लें, तो उससे एक दो बार फ़ोन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। दो बार फ़ोन चार्ज हो जाएगा इससे, ठीक है। पर ये 20 की है, पर ये लग रहा है कि मुझे तो भाई पता नहीं कितना हाथ में वजन है, ठीक है। ये करीब 300 ग्राम की होती है, फ्लिपकार्ट से अपना वारंटी कार्ड डाउनलोड करने के लिए, इसी के साथ में बिल डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, अपने ऑर्डर पे जाना है। जैसे कि मैं अकाउंट पे सिंपली क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर पे जाऊँगा। ऑर्डर पे जाने के बाद जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, वो आप उसका बिल है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मेरा यहाँ पर ओपन हो रहा है, जैसे कि आज ही मेरे यहाँ पर ये डिलीवर हुई है ये पावर बैंक, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको यहां पर ये भी देखने को मिल गया है कि आपकी जो पॉलिसी है वो रिटर्न पॉलिसी वो है 30 सितंबर तक, ठीक है। अभी आप रिटर्न कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहां पर यानी कि टुमारो 11 बजे तक आपको यहां पर आपका जो बिल है वो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे ये डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चैट करके इनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक लग जाते हैं, तो आपको यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करें। इस तरीके से आप यहाँ पर बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे हैं तो आपको वहाँ पर पहली बात तो कोरियर वाले के सामने ही आपको ओपन करके देखना है। अगर वो ओपन करने के लायक है तब ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कुछ पर्सनल होती हैं, ठीक है, तो हम उसके सामने ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकायदा अगर आप अकेले में कर रहे हैं तो उसकी वीडियो शूट कर लें और उसके बाद में आप उसे ओपन कर लें। अगर आपका प्रोडक्ट सही निकला है तो ठीक है, तो इस तरीके से आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।